In this video, we will study about the next type of the pollination, that is entomophily. Entomophily is also called as the insect pollination, where the pollination is taken place by means of insect. In this video, basically we will be seeing the most interesting examples. So let's start with the entomophily. Entomophily is also called as insect pollination or pollination by insect. इसमें generally जब हम लोग insect pollination की बात करते हैं तो इसमें कुछ adaptations होते हैं, मतलब entomophily should have this some adaptations or may have some adaptations which are like कि जो entomophily होंगे उसमें जो adaptations होंगे, पहली बात तो ये कि इसमें जो flowers होंगे यानी flowers are brightly colored यानी इसमें जो भी फ्लावर्स होंगे उसका कलर जो है एक अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन होगा कलर में, जिसके वजह से इंसेक्ट उसकी ओर जो है अट्रैक्ट होंगे. और दूसरी बात यह है कि जो फ्लावर्स के अलावा इसमें सेंट या स्मेल जो है वो सेंट और स्मेल विल बी प्रेजेंट. और किस में ये जो सेंट और स्मेल्स पाए जाते हैं जनरली इन नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स स्मेल आर मेन फैक्टर्स टू attract to the insects. जो night blooming flowers होते हैं, ज़्यादातर जो night में खिलने वाले flowers होते हैं जैसे jasmine, rafflesia, इनमें जो है एक विशेष type के जो है सुगंध या smells पाए जाते हैं जिसकी वजह से insect जो है वो attract हो जाते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ for example jasmine. Jasmine has the very good, has good smell, जिसकी वजह से जो है इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं. इसी तरीके से एग्जाम्पल है रेफ्लेशिया. रेफ्लेशिया इज अ काइंड ऑफ फ्लावर जो इसमें जो स्मेल पाया जाता है वो एबनॉक्शस होता है या उसका जो ऑर्डर होता है रेफ्लेशिया हैज obnoxious या has bad smell like rotten fish. Rotten fish की तरह smell आता है. इसमें से कुछ insect इस तरह की smell को like करते हैं जिसकी वजह से attract होके आते हैं, जबकि कुछ insects जो होते हैं वो rotten fish जैसे smell से attract होते हैं और पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स के पास आ जाते हैं. इसके अलावा जब भी हम लोग फ्लावर्स की बात करते हैं तो ये जो फ्लावर्स होते हैं कलर्ड के साथ साथ यानी ब्राइटली कलर तो होते हैं, लेकिन समटाइम्स द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर आल्सो कलर्ड. इट मींस इफ द फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड देन सम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर मे बी ब्राइटली कलर्ड. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स or if flowers are not brightly colored then the other part may be brightly colored. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो अगर मैं बात करूं इन
बुगेनविलिया। बुगेनविलिया में जो है इसका जो ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट इज ब्राइटली कलर्ड। ये कुछ इस टाइप से अगर मैं बात करूं तो अदर देन जो फ्लावर होता है वो इसे हम ब्रैक्ट कह सकते हैं, जो कि ब्राइटली कलर्ड होता है। इसी तरीके से दूसरा है इन यूफोरबिया। इसमें जो है जो लीफ होती है, यानी लीफ इज ब्राइटली कलर्ड। इसके अलावा थर्ड है इन मसेंडा। इसमें सीपल्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी सीपल्स आर ब्राइटली कलर्ड। इसके अलावा बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि जो नेक्स्ट एडेप्टेशंस ये हैं कि फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द ग्रुप टू बिकम मोर स्पेसिफिक। बहुत ज़्यादा खास या स्पेसिफिक होने के लिए फ्लावर्स जो हैं वो एक साथ ग्रुप में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो एंटेमोफिली की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें विशेष टाइप के नेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी स्पेसिफिक नेक्टर्स आर प्रेजेंट। और ये नेक्टर्स जो होता है यही एक स्मेल को रिलीज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई यहाँ पे फ्लावर मौजूद है, लेट्स से कुछ इस टाइप से, और यहाँ नेक्टर मौजूद है, तो इसको गाइड करने वाला यहाँ पे नेक्टर गाइड मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से जो इंसेक्ट जो है वो एंट्री मारते हैं या एंट्री होती है और वो नेक्टर तक पहुँचते हैं। और जैसे ही इंसेक्ट यहाँ नेक्टर तक पहुँचता है वो अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को लेके आता है, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे आता है और फीमेल फ्लावर के साथ अटैच हो करके पॉलिनेशन होने में सहायता करता है या सहयोग करता है। जो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, या यूं कह लें कि जो पॉलिनेशन होता है एंटेमोफिली में, वो कुछ एग्जाम्पल्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑर्किड फ्लावर का, जो ऑर्किड फ्लावर होता है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीडियो कॉपुलेशन। ये सीडियो कॉपुलेशन का एग्जाम्पल है, यानी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीडियो कॉपुलेशन। ये एक्चुअली सीडियो कॉपुलेशन इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो मॉथ्स होते हैं, मॉथ्स जिसको पतंगा या तितैया बोलते हैं, द मेल मॉथ्स सिट ऑन द फ्लावर्स एंड दे थिंक दैट इट इज द फीमेल मॉथ्स। बिकॉज ऑफ दैट द पॉलन ग्रेन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द मॉथ्स दे आर रिलीज्ड एंड हेंस द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। यानी फीमेल जो मेल मॉथ्स होते हैं, पतंगा होते हैं, वो फ्लावर्स पे जैसी बैठता है तो उस केस में क्या होता है कि ये फ्लावर्स को फीमेल मोथ समझने लगता है, जिसकी वजह से वो पॉलिनेशन हो जाता है, अपने एग रिलीज़ करते हैं और लेकिन उस पर बैठा हुआ जो भी पॉलन ग्रेन्स होता है वो रिलीज़ हो जाता है
और अल्टीमेटली पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये आखिर ये बैठता क्यों है, जो मेल मोथ्स होते हैं ये फ्लावर्स पे बैठता क्यों है। ये इसलिए बैठता है कि इस केस में जो ऑर्किड फ्लावर्स होता है उसका जो शेप और उसका जो कलर होता है एक्चुअली मैच करता है मेल फीमेल मोथ से। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है सीडो कॉपुलेशन का। तो ये क्यों होता है, यानी मेल मोथ्स सिट ऑन दी फ्लावर एंड थिंग्स एंड थिंक इट एज फीमेल मोथ्स, हेंस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। फीमेल मोथ्स समझ लेता है और जैसे उस पर बैठता है तो उसके बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन्स अटैच होता है जो कि कुछ दूसरे फ्लावर से होके आया है वो रिलीज हो जाते हैं। और ये जो होता है ये क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्किड फ्लावर्स होता है यानी शेप एंड कलर ऑफ द फ्लावर मे मैच विद द इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट से शेप और कलर मैच हो सकता है जिसकी वजह से जो मेल मोथ्स होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है और वो फीमेल यानी फ्लावर को जो है वो फीमेल मोथ समझने लगता है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीडियो कॉपुलेशन। सो इस वीडियो में हमने एक इंटेमोफिली के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि एंटेमोफिली में आते हैं।